बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए काम बनाने वाले की। प्रेमियों देखो, अगर जर 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 हेलो हेलो, अगर जयकारा ऐसा लगाओगे तो कीर्तन कैसे करोगे? जब तक जयकारे में जोर नहीं होगा तब तक बाबा भजन भी नहीं सुनेगा। अगर ये बात अलग है कि आप सुनने आए हो तब कहानी दूसरी हो जाती है, लेकिन अगर सुनाने के लिए आए हो इस दरबार में। अच्छा ये बताओ, कीर्तन करने के लिए कौन कौन आया है? अच्छा आप हाथ उठाने में संकोच क्यों किए? कौन कौन आया है कीर्तन करने, ईमानदारी से बताओ। अच्छा अच्छा, तो जयकार भी ऐसा लगाओ कि कीर्तन हो रहा हो। ऐसा मत लगाओ कि आप कोई इवेंट देखने आए हो। ये बाबा का कीर्तन है, यहाँ काम बनते हैं सिर्फ और सिर्फ भजनों के माध्यम से। ऐसा मत करो कि खाली कौन गाया और कैसा गाया देखकर चले जाओ। यहां सिर्फ ये देखा करो कि मैं मेरे बाबा को क्या सुना सकता हूं। भैया मिस कर रहा है ये। यहां ये देखने आया करो कि मैं मेरे बाबा को क्या क्या दे सकता हूं। हालांकि हमारे बस में कुछ नहीं है कि हम बाबा को कुछ दे सके, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो इसी का दिया हुआ है। देखो गाने से पहले, शुरू करने से पहले गाना तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ आता नहीं है, ये तो बाबा की कृपा है जो खड़ा किया है। लेकिन एक बात बोलूंगा, जो मजबूर है कि कुर्सी पर बैठे वो बैठे, लेकिन जो मजबूर नहीं है, जो बैठ सकते हैं वो कृपया जमीन में आकर बैठे या नीचे आकर बैठे। आपको कीर्तन का ज्यादा आनंद आएगा, इस बात का विश्वास मैं दिलाता हूं। हमारे बीच योगेश अग्रवाल जी रायपुर से उपस्थित हैं और पूरा बाबा भक्त मंडल इनका स्वागत करता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे भैया के लिए। और आइए प्रेमियों, आप जयकारा लगाएंगे, उसके बाद मैं कुछ आगे शुरू करूंगा। एक बार जोरदार जयकारा, बोल काम बनाने वाले की। आइए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश, तृतीय मेरी माँ शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिनसे भया शरी, और नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन में सी।
लाल देगी लाल लसे अर घर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशो चंद्र तपे सूरज तपे उदगण तपे आकाश इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शमा शिवा दात्रे स्वाहा सदा नमो स्तुते शिव समान दाता नहीं तो विपद विदारण हा लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवा तो जे 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 श्री श्याम की विन करो कर जो और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत बोलिए सच्चे दरबार की दादा ये मिस हो रहा है इसको चेक करो बोलिए खाटू नरेश की आइए प्रेमियों बाबा का बहुत ही भव्य दरबार लगा है और साक्षात रूप में बाबा विराजमान है आइए मैं एक ही निवेदन करूंगा आप सभी से कि यहाँ बैठकर ये जो आप बातें करते हो दूसरों से आप ये सोचो कि ये जो सामने बैठा है ये खाटू से चलकर हमारे बीच में आया है आपके आस से पड़ोस वाला कितना बड़ा भी सेठ होगा लेकिन इस जगत सेठ से बड़ा नहीं होगा इस दुनिया में सबसे बड़ा सेठ यही है जहां बड़े से बड़ा सेठ आता है वो भी इसी के सामने झोली फैलाता है कि मेरे झोली में कुछ डालना तो बाबा आप ही डालना आज कितनों के जीवन गाड़ी ये शाम चला रहा है अच्छा ये बताओ आप में से जितने भी बैठे हो खाटू आप सब गए हो कौन कौन खाटू नहीं गया अच्छा ज्यादा लोग नहीं है जो खाटू नहीं गए मात्र 5% पीछे से कोई ऐसा है जो खाटू नहीं गया अभी तक दो भैया अगर खाटू नहीं गए तो आपसे निवेदन करूंगा कि आगे आकर बैठो बाकी आपकी इच्छा है क्योंकि जिसको बाबा ने इस दरबार में बुला लिया ये समझ लो खाटू जाने की तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है बाबा आपको बहुत जल्द अपने दरबार में बुलाएंगे लेकिन उसके लिए आपको मन बनाना पड़ेगा एक कदम आप बढ़ाओगे बाकी सारे कदम मेरा बाबा आपके लिए खींच लेगा खाटू के लेकिन आओ इस दरबार में सिर्फ और सिर्फ इतना करना मैं गाऊंगा तो सिर्फ गायक गाएगा सुनना प्रेमी ध्यान से अगर सिर्फ मैंने गाया तो ये उत्सव हो सकता है यहां सिर्फ गायक गा सकता है लेकिन अगर हम सबने मिलकर साथ में गाया तो ये उत्सव नहीं महोत्सव हो सकता है और गायक नहीं श्याम प्रेमी की अरदास लग सकती है इसलिए भैया मॉनिटर के अलावा किसी में आवाज ही नहीं ना उधर से कुछ आ रहा है इधर हेलो 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 ऐसा लग रहा है इसके अलावा कोई स्पीकर नहीं है हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो थोड़ा और खोलो ना उसको। हेलो 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 बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताओ यहाँ पे बाबा को भजन सुनाओगे सुनाओगे ना, तो एक जयकार लगाना, जितनी जोरदार जयकार होगी मैं समझूंगा आप उसकी तरीके से भजन सुनाने के लिए आए हो। ठीक है, बोल हरे के सहारे की। आइए, ये दरबार स्वयं ऐसा है, कितनों की जीवन गाड़ी बाबा ने चलाई है वो यहाँ पर बैठा हुआ बता सकता है, या तो ये ठाकुर बता सकता है। फंसी हुई नैया भी दुनिया तब तक सहारा देती है जब तक नैया आधी डूबी हो। आपका कोई गहरा अपना होगा तब आपको सहारा दे देगा कि जब तक आधी नैया डूबी है तब तक, लेकिन जब आपकी नैया पूरी डूब जाएगी और उसके बाद कोई सहारा देने वाला बचेगा तो आपको हार कर मेरे श्याम के पास आना पड़ेगा, और ये श्याम ही आपको सहारा देगा। आओ, ये एक गाड़ी नंबर है 5388, इसको कृपया हटा लें। आपने बहुत सही जगह पार की है, थोड़ी गलत जगह पार करके आए। आओ बाबा से कहना, बाबा हम अच्छे से जानते हैं कि थारे नाम शिव बाबा पहचान है भारी, थारे नाम को जोर है। मारवाड़ी तो आती होगी ना सबको, उत्थर नाम शुचाले या गाडली भारी, दुनिया में शोर है जियो मारो तो बाबा, मारो तो बाबा थर नाम शुगुजारो है। मारो तो थर नाम से गुजरो है, मारो तो ओ मारो तो बाबा थर नाम शु गुजारो है, हर जीने को सहारो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगता प्यारो है, श्याम थारो नाम हो, श्याम थारो नाम लागे भगवान प्यारो है, हरे मन को सहारो है। किस किस के जीने का सहारा है श्याम, जिसको जीवन मिला, जिसको जीने का सहारा मिला वो पूरे हाथ उठाकर और तालियां बजाकर बोलोगे अरे श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगतन प्यारो है, श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगतन प्यारो है, हर जीने को सहारो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगतन प्यारो है, श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगतन प्यारो है, हर जीने श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगतन प्यारो है, श्याम थारो। किस किस को प्यारा लगता है ये बताओ, किस किस को प्यारा लगता है, ये हाथ झूठे मत उठाना, जिसको ये श्याम घाट वाला प्यारा लगता हो पूरे हाथ उठा के एक दो तीन चार बोल सच्चे दरबार की। Oh,
देखो आप गाओगे तो कीर्तन होगा। ताना बजा कर मंत्र कहना बाबा हर नाम लेता ही लागे चुमाने की दे हो सामने हर नाम लेता ही बाबा चुमाने की दे हो सामने और जो आपके सामने आ जाए हर नाम लेता ही लगे चुमाने की दे हो सामने हर नाम लेता ही लगे चुमाने की दे हो सामने कितनों ही बड़ो पापी ले वे जो नाम थारो कितनों ही बड़ो पापी ले वे जो नाम थारो मिल जा कौन कौन पापी बैठा है कौन कौन पापी आपके बताओ इस दरबार में। अच्छा साहूकार ज्यादा बैठे हैं यहाँ पर। मैं तो हाथ उठाकर कहता हूँ भैया मैं तो पापी हूँ बाबा इस दरबार में। अगर पापियों की लिस्ट बनाओ तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा। लेकिन ये तो आपका कर्म है बाबा जो मेरे पापों पे पर्दा डाल दिया आपने। अरे मारो तो बाबा हर नाम से गुजारोगे मारो तो बाबा मारो तो बाबा हर नाम से गुजारोगे हर जीने को सहारोगे श्याम थारो नाम श्याम थारो नाम लागे भगताने प्यारो है श्याम थारो। अच्छा बताओ यहाँ कौन कौन चाहता है कि बाबा इस कीर्तन में आए। कौन कौन चाहता है मेरे हिसाब से एक भी प्रेमी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि बाबा कीर्तन में आए। पूरे हाथ उठाना पीछे वाले और कहना क्या अरे कीर्तन की है बाबा कीर्तन आनो है कीर्तन की है कीर्तन की है कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनोगे कीर्तन। देखो पूरा भिलाई मैं जानता हूँ आसपास से सारे प्रेमी आए कोई रायपुर से आया कोई आसपास से आया पूरे हाथ उठाना और बुलाना बाबा हो आ जा रे आदमी को चढ़ा दिए तो बार बार हाथ उठाने के लिए कहता है। आपको फिर से बताऊं ये बाबा कब आता है जब अपने आप को छोड़ दोगे बाबा के हवाले के बाबा मैं हारा और तू हारे का मीरा भी हारी थी गिरधर को पाई थी जियो अमृत कर पाया मोहन को रिझाई थी विश अमृत कर पाया मोहन को रिझाई थी। इस दरबार में बैठकर किसी और को मत देखो ये सामने देखा करो सब नैनों से नैन मिला मन पीड़ा सुना देना नैनों से नैन मिला मन पीड़ा सुना और इस दरबार में अगर शाम को पाना चाहते हो हारे का साथी है
सदा हार के तू रहना। हारे का साथी है सदा हार के तू। ये बहुत पुराना भजन है प्रेमियों, बहुत पुराना भजन है। मैं आपको महत्व समझा रहा हूँ सिर्फ भजन का और कीर्तन का। तानिया बजाना पीछे से। जब पहले कीर्तन हुआ करते थे तब ना माइक होता था ना साज होते थे, एक हारमोनियम की पेटी होती थी और नगाड़ा होता था। और जब महाराज लोग गाया करते थे वो एक लाइन गाते थे, पीछे से पूरे प्रेमी लोग गाया करते थे, और कोई शक नहीं कि वहां पर बाबा स्वयं विराजमान हुआ करता था, सामने नहीं भक्तों के बीच में विराजमान हुआ करता था। एक बार जरा वैसा कीर्तन पूरे हाथ उठाकर तानिया बजाकर, माइक में मत गाना पीछे से भैया, कहना ओ कर श्याम से मिलना है एक बात समझ लेना। बोलो बोलो कर श्याम से मिलना है। माइक नीचे रखो, देखिए जला भिलाई के प्रेमियों में कितना दम है, बाबा को रिझाने के लिए कितना जोर है। पूरे हाथ उठाकर क्या बोलोगे, कर श्याम से एक बात समझ लेना। बोलो बोलो हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। ओ हारे का साथी है सदा हार के तू। कौन हारा है, कौन कौन हारा है, जो हारा वो पूरे हाथ उठाए। एक दो बोल सच्चे दरबार की। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे सहारा हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। देखो ये वो लोग हैं जिनको खाटू जाकर तानिया बजा के थोड़ा मीठा पकड़, जिनको खाटू जाकर वो मिला जो उनके सात जन्मों में भी नहीं लिखा था, दरबार से वो मिल गया। क्योंकि ये शाम को वरदान है कि जो इससे मांगने आएगा वो अपनी औकात से दस गुना पाएगा। ये वरदान है। और वो लोग कहते हैं जिनको बाबा ने अपनाया है वो हार करके बाबा के पास गए थे, और जिनको बाबा ने अपनाया जिनकी औकात रस्ते की नहीं थी आज बाबा ने उसको हवाई जहाज में बिठाया है, वो कहते हैं बाबा से कि बाबा दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। बोलो बोलो बोलो। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। ये लाइन सुनना पड़ेगा। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है, और रस्ते किस किस को रस्ते से उठाया बाबा ने। ईमानदारी से बोलना, शर्म मत करना इस दरबार में। किस किस को रस्ते से उठाया वो पूरे हाथ उठाया। एक एक दो तीन चार
आया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में क्या अरदास लाया। क्या बाबा सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। और जोर से बोलो, अरे जब तक भक्तों की ताकत नहीं मिलेगी तब तक बाबा नहीं आएगा, और जिस दिन आपकी ताकत मिल जाएगी किसी गायक की जरूरत नहीं पड़ेगी कीर्तन कराने के लिए। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। अरे जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर दाता नंगे पांव पधारा, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर नंगे पांव पधारा। दुख हरना सुख करना, दुख हरना सुख करना, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया। अरदास में बहुत ताकत होती है, जो अरदास लगाना चाहते हैं पूरे हाथ उठाएं, पूरे पूरे। एक दो तीन चार, तानिया बजा कर क्या बोलोगे। जद सुन लियो तेरा नाम बनने लग्या हर का के तो माज है, जद सुन लियो तेरा नाम बनने लग्या हर का के तो माज है। जो श्याम का प्रेमी होता है ना, अभी मात्र दो ही स्टेट ने बाबा के कीर्तनों की धूम मचा रखी है। तानिया बजाओ। मैं निर्मल भैया लास्ट टाइम कितने बजे किस तारीख को मिले थे? 12 नवंबर। मैं 12 नवंबर को दूसरी बार आया छत्तीसगढ़। आज उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी हर महीने में एक दो बार मेरा चक्कर लगने लग गया। एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़, इन्होंने बाबा को यहीं पकड़ लिया। बोले बाबा 8 महीने आपने हमको धड़पाया है, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, यहीं बैठ कर। ब्रांच ऑफिस है, तानिया बजाओ। कहना बाबा खुशियां ही खुशियां है इस जिंदगानी में के मस्ती रोज है, खुशियां ही खुशियां है इस जिंदगानी में के मस्ती रोज है। मारो तो बाबा थारे नाम शुरू। देखो जिसका गुजारा चलता है एक बार बोलना, अरे मारो तो बाबा मारो थारे मारो तो ओ मारो तो बाबा थारे नाम शुगुजारो है हर जीने श्याम थारो नाम श्याम थारो नाम। एज श्याम थारो नाम लागे भगतन प्यारो है हर जीने। किस किस को प्यारा लगता है जरा हाथ उठा लो और मिल कर कहना। अरे श्याम थारो नाम लागे भगतन प्यारो है, श्याम थारो नाम लागे भगतन
मर्जी को श्याम हम जो श्याम जिसको श्याम प्यारा लगता है वो क्या कहना है मालूम तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना ये आवाज चाहिए जो तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा और कैसी लगन लगी कि अब दुनिया में किसी के आसरे की जरूरत नहीं है कीर्तन में आते हैं और छाती ठोककर कहते हैं बाबा ओ हमको तो आसरा है श्याम मुरली वाले श्याम खाटू वाले हमको आसरा है श्याम मुरली वाले श्याम मुरली वाले किस किस को आसरा है किस किस को पूरे हाथ उठा दो एक दो तीन चार जब से मैं श्याम आपकी चौखट पे आ रहा हूँ जब से मैं श्याम आपकी चौखट पे आ रहा हूँ सुनना अपने लाइनों को ध्यान से पूरी पूरी तालियां बजा के बिन मांगे इस जहां की बिन मांगे इस जहां बिन मांगे इस जहां की बिन मांगे इस जहां की अरे खुशियां मैं पा रहा हूं जब से मैं श्याम आपकी चौखट पे आ रहा जो श्याम का प्रेमी होता है आपने खाटू आप खाटू गए होगे आप खाटू गए होगे आपने वीआईपी दर्शन का नाम सुना होगा ये तानी बजाओ ना मीठी मीठी मैं नहीं कह रही और जोर से बजाओ ताकि आपके हाथ लाल हो जाए ऐसा नहीं एकदम मीठी मीठी बजाओगे तो भी बाबा सुनेगा मेरा आपकी कृपा से सब ये भजन तो आता है ना मेरा आपकी कृपा से सब करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो किस किस का काम मेरे बाबा की कृपा से होता है किस किस का क्या बात है एक दो तीन
से हो। तानिया तानिया नहीं रुकने देना, आज तानिया मत रुकने दो। भिलाई में साल में एक कीर्तन होता है कि एक ही कीर्तन होता है ना साल में? आपके भिलाई में साल में एक ही कीर्तन होता है, उसमें भी चोरी करोगे तो फिर कैसे जिंदगी में काम बनेगा ये बताओ। आज अगर हाथों में दर्द होगा होने देना, लेकिन जब सुबह उस दर्द में आह से शाम निकलेगा ना, तो वो दर्द मिटाने के लिए भी शाम आएगा। हमारे जयपुर में एक लेखक हैं अनिल जी शर्मा, आदरणीय अनिल जी शर्मा, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात लिखी जो आज पूरा हिंदुस्तान गा रहा है। उन्होंने इतनी बड़ी बात दी कीर्तनों में कि आप बाबा को क्या दे सकते हो, रुपया धन चांदी, अरे इसको क्या दोगे, चांदी का छतर, थाली में 500 का नोट चढ़ा दिया, आप समझे हाँ कीर्तन में आना हमारा सफल हो गया। अरे भाई 500 का जो नोट हमारी जेब में आया है उस 500 को रखने की औकात किसने दी? लेकिन एक बात जो इसके दरबार में आने से पहले भी थी और दरबार में आने के बाद भी है, मन की बात सांवरी है ने आज सुना कर देख ले, मन की बात सांवरी है ने आज की बात सांवरी है ने। एक बार गाओ प्रेमियों, क्योंकि इस दरबार में मन की बात सुना दोगे नाच कर क्या मिल जाएगा दरबार में? नाचना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नाचना नहीं चाहिए दरबार में, लेकिन नाचो कम से कम मन की चार बात सुनाकर तो नाचो बाबा के साथ। आप कीर्तन में आए, आपको देखा देखी किसी ने बाहर बोर्ड पड़ा कि हारे का सहारा बाबा श्याम, बताओ इसमें ही जोर नहीं आपके? इसको हमारा मानने में भी आप जो है कभी ये कैसे बनेगा हमारा? एक बार जरा जोर से बोलो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ऐसे ही कोई प्रेमी बाहर खड़ा होगा जो जिंदगी से हार कर बैठा होगा और कह रहा होगा कि एक दरबार लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज तक कहीं ऐसा दरबार नहीं देखा जहां दरवाजे पे लिखा हो हारे का सहारा बाबा श्याम, ऐसा दरवाजा नहीं देखा। वो आपको देखा देखी पीछे पीछे घुस गया, यहाँ आप नाचे और वो बेचारा ये देखकर चला गया कि यहाँ तो नाच हो। कोई हारे का फरियादी, कोई फरियाद सुनाने के लिए नहीं आया, मैं मेरे बाबा को अपने मन की बात कैसे सुनाऊं, मैं अपने मन की बात बाबा को कैसे रखूं? अगर आप मिलकर अरदास लगाते हो ना, और मानना मेरी बात, कीर्तन वही होता है, सत्संग कहते हो ना कीर्तन को, सत्संग का मतलब होता है सबका संग, उसे कहते हैं सत्संग। जब तक आप नहीं गाओगे तब तक कीर्तन नहीं हो सकता। हमारे गाने से फॉर्मेलिटी होती है, आपके गाने से कीर्तन होता है। हाँ, ये दुर्ग मेरा अभी तक सौभाग्य नहीं बना कि बाबा मुझे अभी तक दुर्ग में दर्शन दे। हालांकि आज कोशिश थी अगर समय से पहले आ जाते तो शायद दर्शन हो जाते बाबा के, लेकिन इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। लेकिन आज मैं ऐसा ही कहूंगा कि यहाँ पर दर्शन हो गए और आप सबको भी दर्शन हो गए तो समझना आपको खाटू के दर्शन हो गए। आज बाबा का दरबार ऐसा लगा है कि स्वयं खाटू में से बाबा यहाँ विराजमान है। आओ एक वही मैं ये क्या हेलो
25 मार्च को कुर्सी पर से निशान यात्रा श्याम मंदिर खाटू दुर्ग को जाएगी। सभी भक्तों से निवेदन है जो भी निशान यात्रा में भाग लेना चाहें, दुर्ग हाउसिंग बोर्ड भिलाई कुर्सी पर, वहां पे कीर्तन का प्रोग्राम है और शाम को भंडारा होगा। 29 मार्च को फूलों की होली खेली जाएगी बाबा के मंदिर में। सभी भक्तों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। हमारे बीच दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी आप सबके बीच एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें और पूरा बाबा भक्त मंडल एक बार इनका स्वागत करता है जोरदार तालियों से। आप सभी श्याम भक्तों का बाबा भक्त मंडल, ये जितने भी आपके आपको युवा दिख रहे हैं, ये आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। और एक ऊपर कर देना भैया जी बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए ये हमारे जितने भी भाई हैं, योगेश अग्रवाल भैया, पंकज भैया, अंकित भैया, अंशु भैया, आशीष भैया, जितेंद्र भैया, मानशु भैया, अजय वसीम भैया, इन सबने इस दरबार के लिए बाबा से खूब अर्जी लगाई है और आज बाबा आप सबके बीच है जो कि खाटू से हमारे बीच अजय बसीन जी उपलब्ध हैं। बाबा भक्त मंडल उनका भी स्वागत करता है। बोले सच्चे दरबार की। हेलो हेलो बोलिए सच्चे दरबार की। आइए मिलकर बाबा से अरदास करना और बाबा से कहना बाबा सिर्फ एक चीज के लिए मैं आपके दरबार में आता हूं, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, बोलो मेरी लाज रखना। अरे तेरे द्वारे आ बाबा, अरे तेरे शरण में आ बाबा, बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज। अगर लाज की भिक्षा मांगनी है तो हाथ उठा लेना, रुपया धन दौलत मांगने आए हो तो मत उठाना, लेकिन अगर लाज मांगने आए हो कि बाबा सिर्फ हाथ फैले तो आपके आगे फैले, इसके अलावा किसी के सामने ना फैले, वो पूरे हाथ उठाकर कह देना, ओ मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। अरे तेरे
हाथ उठा लो, जिसको लाज रखवानी है वो पूरे हाथ उठाए गए। एक एक अगर शर्म ना आए कहने में तो कह देना, तू है दाता और मैं हूँ भिखारी। बोलो बोलो, तू है दाता मैं हूँ भिखारी। अरे कैसे निभेगी बाबा अपनी यारी, कैसे निभेगी अपनी यारी। कौन कौन भिखारी बैठा है? कौन कौन अरे तू है दाता और मैं हूँ भिखारी। तू है दाता मैं हूँ भिखारी, कैसे निभेगी बाबा अपनी यारी, कैसे निभेगी बाबा अपनी यारी। अरे बन के भिखारी आया रे बाबा, बन के भिखारी आया रे बाबा, झोली भरना मेरी लाज रखना, लाज रखना मेरी लाज रखना मेरी लाज। जो इसके दरबार का भिखारी होता है, तानिया बजाना प्रेमी, जो इसके दरबार का भिखारी होता है, जो बाबा से ये कहता है बाबा मैं आपके दरबार में अमीर बनने नहीं आया, सिर्फ भिखारी बना लेना अपने दरबार का, लेकिन भिखारी ऐसा बनाना कि भीख मांगनी पड़े तो सिर्फ आपके सामने मांगनी पड़े, दुनिया के सामने नहीं मांगनी पड़े। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। बोलो बोलो, मेरी लाज रखना। तेरे द्वारे आया बाबा, तेरे द्वारे आया बाबा, बात रखना मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। ये हाथ उठा लो, जिसको लाज की भिक्षा चाहिए। एक दो तीन चार, एक तू है, एक तू ही तो है ओ शाह। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। किस किस की बिगड़ी बनाई है मेरे बाबा ने। एक दो तीन चार, बिगड़ी सवार देता है सांवरा।
जिंदगी देता है, सांवरा जिंदगी देता है, सांवरा जिंदगी देता है। देखो इस दरबार में यही मिलता है, हारे हुए को शाम मिलता है, शाम की कृपा मिलती है। तानिया बजा दे, हारे हुए को शाम मिलता है, शाम की कृपा मिलती है। और बाबा की मोर छड़ी में मोर छड़ी ऐसा निराली मोर छड़ी है, अगर मुर्दा भी पड़ा हो और मोर छड़ी का झाला लग जाए तो वो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, ऐसे मोर छड़ी। ओ शरणागत की, शरणागत की, शरणागत की, शरणागत की श्याम बाबा लाज बचा जी, शरणागत की श्याम बाबा लाज बचा जी। हरि मोर छड़ी लहराओ जी, हरि मोर छड़ी लहराओ, हरि मोर छड़ी लहराओ जी, हरि मोर छड़ी। ये मोर छड़ी का झाड़ा किस किस को चाहिए, ऐसा झाड़ा है जिंदगी बदल देगा, पूरे हाथ उठा के एक दो तीन। मांगना बाबा से, तानियां बजा कर अपने दर पे देना ठिकाना, अपने दर पे देना ठिकाना, बुरे कर्म से बाबा हमें बचाना, बुरे कर्म से बाबा हमें। कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने दर पे देना ठिकाना। बोलो अपने दर पे देना ठिकाना, बुरे कर्म से बाबा हमें बचाना, बुरे कर्म से बाबा हमें बचाना। बन के भिखारी, बन के भिखारी आया बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। गो गो, ये हाथ उठा कर क्या गाओगे, जरा एक बार दोनों हाथ उठा लो इस भजन के लिए, पूरे पूरे हाथ। ये पीछे वालों से भी रिक्वेस्ट है, पूरे हाथ उठाकर क्या बोलोगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अगर हम डूबेंगे उसमें भी हमारा घाटा नहीं, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। प्रेमी ने कहा मैं जगह जगह भटकता हूं, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। किस किस के गठरी भरी है बताओ, कौन कौन पापी है, तानिया बजा कर कहना बाबा। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। बाबा वजन पापों का है भारी,
वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे। देखो ये जो मैं भजन गा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्या गा रहा हूँ, बोले ये तो बैठा लिया, ये क्या सुना रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं वो सुना रहा हूं जो आप अपने आप सुना सको। एक बार तानिया बजाओ। मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो नियारा, मन मंदिर में वास करो। अगर ये नहीं मांगा यहां आकर तो कुछ नहीं मांगा। मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो दियारा, मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो दियारा, पापों का तेरा नाम पुकारा है, बोलो बोलो बोलो। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन हाथ जोड़कर हाथ जोड़कर तुम्हें रिझाओ, हाथ जोड़कर तुम्हें मनाओ, आंख के आंसू भेंट चढ़ाओ, आंख के आंसू भेंट चढ़ाओ। जब बाबा के पास गए, ये सोचा कि बाबा को क्या देंगे। दरबार में गए, सोचा बाबा को कुछ निशान चढ़ाएंगे। दरबार में गए, सोचा बाबा को भोग लगाएंगे। दरबार में गए, सोचा 56 भोग लगा देंगे। लेकिन बाद में समझ आता है कि ये तो हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है हमारा जो हम इसको चढ़ा सकते हैं? तो इस दरबार में सिर्फ और सिर्फ ये दो आंसू जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे होते हैं, जो इसके ऊपर खोते हैं और इसी के ऊपर वार जाते हैं। तब कहा बाबा से, बाबा
हाथ जोड़ कर तुम्हें रिझाओ, हाथ जोड़ कर तुम्हें रिझाओ, आंख के आंसू भेंट चढ़ाओ, आंख के आंसू भेंट चढ़ाओ। मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, लेकिन इन आंख के आंसू को, अरे बनवारी ने मोती समझ के, अरे बनवारी ने मोती समझ स्वीकार करना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। एक बार बोलो जरा, मेरी लाज रखना, मेरी लाज। देखो आपकी आवाज बहुत कम आती है, ऐसा कोई चक्कर है घर से खाना वाना नहीं खाया है? एक बार जरा खाटू वाली आवाज सुनाओ जरा। अरे मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, हो तेरे द्वारे बाबा तेरे, अरे तेरी शरण में बाबा, तेरी शरण में आया बाबा। झोली भरवानी है, पूरे हाथ उठाकर क्या बोलेंगे? अरे बात रखना, मेरी लाज 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 रखना, लाज रखना, लाज रखना, लाज रखना। मतलब बाबा की कृपा का बखान, ड्रामा थोड़ी हो, बाबा की कृपा का बखान करने में सहयोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां योगेश अग्रवाल जी के लिए, प्रोड्यूसर। पहले एक बार खाटू में होगा और उसके बाद दुर्ग में होगा, मतलब पहला खाटू धाम, दूसरा खाटू धाम दुर्ग। और ये भाई जी बार बार नाटक नाटक कर रहे हैं। और बाबा की कृपा का नाम है हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और जब बाबा श्याम होता है हमारा तो क्या होता है? हो जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। बोलो जब जब रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुम्हें नाजोर दिल पे चले। क्यों हम हारे हारे, तुम हारे के हारे 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 के सहारे। कौन कौन हारा? पूरे हाथ उठाकर जो हार कर बैठ रहे हैं। Oh,
होता है। हाँ सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हरे 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 इतना बता दे क्या माजरा, इतना बता दे क्या माजरा, अरे आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ क्यों नहीं आता। अरे अरे तुम्हारे ये देखो, ये आवाज हारे हुए प्रेमी की नहीं होती है, ये थके हुए प्रेमी की होती है। अरे इसके कीर्तनों में आवाज तो ऐसी रहनी चाहिए कि भिलाई में पूरे छत्तीसगढ़ में कोई प्रेमी बचा हो तो उसको पता लग जाए कि आज बाबा श्याम का कीर्तन हो रहा है भिलाई में। ऐसी आवाज आनी चाहिए। जरा एक बार, हरे हरे तुम्हारे के हरे 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 तुम्हारे के जो कुछ मेरा सब है तेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा, अरे जो कुछ मेरा सब है तेरा। तूने दिया है मुझको प्रभु बस, तुमने दिया है मुझको प्रभु सब, दिल की कहो सुन लो प्रभु अब, दिल की कहो सुन लो प्रभु। ये नहीं, ये लाइन पूरी प्रेमी गाएंगे। अरे तेरे भरोसे चलूं सांवरे, तेरे भरोसे चलूं सांवरे, अरे तेरे भरोसे चलूं सांवरे, क्यों तेरे हम हारे हारे ओ तुम ओ हम हारे हारे हारे
कि बाबा ने मुझे इस तरीके से पाल रखा है। मैं रोना भी जो चाहूं तो वो रोने भी नहीं देता। मैं रोना भी चाहूं तो वो रोने भी नहीं देता। मैं रोना भी जो चाहूं तो वो रोने भी नहीं देता। मैं रोना भी चाहूं तो वो रोने भी नहीं देता। अगर मैं गिर जो जाऊं तो, अगर मैं गिर जो जाऊं तो वो गिरने भी नहीं देता। मैं रोना भी जो जाऊं तो वो रोने भी नहीं देता। मैं रोना भी जो जाऊं तो वो रोने भी नहीं। अच्छा ये बताओ बाबा को अपने घर कौन कौन लेकर जाएगा? आप लेकर जाओगे? आप लेकर जाओगे? पूरे हाथ उठाकर क्या बोलोगे? अरे पलकों का घर तैयार सांवरे। बोलो तैयार सांवरे। अरे पलकों का घर तैयार सांवरे। पलकों का घर तैयार सांवरे। ये अखिया करे इंतजार सांवरे। ये अखिया करे इंतजार सांवरे। पलकों का घर तैयार सांवरे। योगेश जी, योगेश जी, भजन के बाद चले जाना, भजन के बाद चले जाना, भजन को खत्म होने दो, उसके बाद भजन को खत्म कर दू। आखिरी में कहा बाबा तू साथ है तो डरना सताए, हर वक्त मेरा साथ निभाए। हर वक्त में एक लाइन बचा भी। बिजनेस के लिए लेट हो रहा होगा कल। खाटू बुलाकर दुखड़े मिटाए, कैसे कन्हैया कर्जे चुकाए। इतना बता दे मुझे सांवरे, ओ इतना बता दे मुझे, क्योंकि बाबा हम तो आपके आगे हारे हारे, ओ तुम हारे के, हम हारे हारे, ओ हारे के। लेकिन बाबा भले ही मैं हार गया, लेकिन आप पे भरोसा है।
अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। बोलो हारा हूँ। अरे जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ मेरी नाम चला जाओ मेरे। अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन। किस किस को भरोसा है जरा लंबे लंबे हाथ और मिलकर तालियां एक साथ। एक एक दो तीन। कैसे बुलाओगे सुनो। आजा मेरे कन्हैया बिन माझ के सहारे। बोलो आजा मेरे ओ बिन माझ के सहारे। डूबेगी मेरी नैया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाकर क्या बोलोगे। अरे आजा आजा श्याम आजा 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 श्याम आजा आजा श्याम आजा आजा श्याम। क्योंकि तुम हारे 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 तुम हारे के। बोलो बोलो बोलो। हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे तुम्हारे के सहारे तुम्हारे के सहारे। बोले सच्चे दरबार की। पांचवा चरण धमाल गा रहे हैं आप। राजस्थानी सुनो दूर है क्या? देख ले थे आओ ढबले आओ आओ। आपका भजन मैं सुनाए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे को इनको बिठाना पड़ जाए। अच्छा फागुन आने वाला है मेला बाबा का। अब आप सब कुछ ज्यादा ही कह रहे हो, वरना बहुत जल्दी धमाल शुरू करवा रहे हो आज। लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत को ना। पांचवा है ना भैया। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए खाटू नरेश की। आइए फागुन आने वाला है। आप भी बोलो भैया। सब गाएंगे, अभी रुको, एक से एक गाएंगे यार। हमारे मारवाड़ी में बोले थोड़ा डट जाए यार, अब आर तो बाबू आयो है। हो आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ी के आयो। ओ लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के लीले पे। ये देखो बाबा के दो तो लीले घोड़े लगे आगे, श्रृंगार के आगे दो तो लीले घोड़े हैं। प्रेमी गाता है प्रभाव। बारह महीना डीगताया फागुन की रुत आई जी। बारह महीना डीगताया। देखो ये अठी मारवाड़ी है। क
के बाबा बारह महीना डीगताया फागुन की रुत आई जी मीठी मीठी भाल बसंती यो संदेश लाई जी मीठो मीठी भाल बसंती यो संदेश और के संदेश लाई फागुन का दिन चार भगतों हो जाओ तैयार भगतों फागुन का दिन चार भगतो हो जाओ तैयार सावरो आवेगो जी आवेगो किस किस को भरोसा है आओ मिलकर एक साथ हमारे मारवाड़ी में कहे अगर फागुन में भी सरक कर गया नाचमा में पूरी पूरी जिंदगी नाचबो पड़ेगो पूरा हाथ उठा पूरा हाथ एक काल रात ने सुपनो आयो बाबो घेना मारे काल रात ने सुपनो आयो बाबो घेना मारे मंदिर में आलो आलो मने ले चालो सागे मने ले चालो सागे काल रात ने सुपनो आयो फागण आयो रे सांवरिया बाबो श्याम बुलायो रे फागण आयो रे फागण आयो रे सांवरिया बाबो श्याम बुलायो रे फागण आयो हो श्याम बुलायो श्याम बुलायो श्याम अरे एक बात बताओ जिसको श्याम बुलाए वो बैठा रहेगा वो बैठा रहेगा क्या किस किस को श्याम बुला रहा है जरा हाथ उठाकर मिलकर श्याम बुलायो श्याम बुलायो श्याम बुलायो श्याम बुलायो श्याम बुलायो रे भागण आयो रे भागण आयो रे साखिया बाबो श्याम बुलायो रे भागण आयो रे सावरियो बैठो है सावरियो बैठो है जो लेनो है सो मांग लो सावरियो बैठो है जो लेनो है सो मांग लो सावरियो बैठो है रे कान हो देखो मांगने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा बैठे बैठे क्या नाच खड़े हो मैं इतनी देर से कह रहा था भैया भजन गा लो कोई भजन नहीं गा रहा अब नाचने के लिए कह रहा हूँ तो भी नहीं नाच अरे कहीं जावे नैना नीचा कर ले
काई चाकर ले श्याम से मिलावे ली काई तूने नानी चाकर ले नानी चाकर ले श्याम से मिलावे ली काई ये नानी चाकर ले नीचा कर 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 ले कर ले शाम से मिला जितने भी इनसे आग्रह करूंगा ये फागुन की मछली है ये हर किसी को नहीं मिलती और जिसको मिल जाए उसको कोई और मछली नहीं सूझती हाथ उठा के एक दो तीन चार थोड़ा सा मेरे को जगह दे ये हमारे अंकल जी आओ आपको राजस्थानी धमाल कैसे होती है ओरिजिनली बताता हूँ नारायण खेतान जी बताएंगे कि छठ पे धमाल कैसे होती है ऊपर आइए भैया ऊपर आइए एक बार जरा रोक दो भैया सब कुछ रोक दो खाली कोर्ट छठ पे देखो कैसे धमाल होती है ये बजाएंगे और मैं नाचता हूँ हाँ चंग बाजे रे सांवरिया के द्वार चंग बाजे रे सांवरिया के द्वार चंग बाजे रे बता मेरे यार सुदा मारे भाई गण दिना में यार बता मेरे यार सुदा मारे भाई गण दिना में यार
हाथ उठाकर कौन कौन पूछेगा मिलकर मेरे यार सुदामा रे भाई गणे दिना में यार बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणे दिना में यार बालक घर जद आया करता बालक घर जद आया कर रोज खेल के जाया करता रोज खेल के आया करता हुई के तकरार सुदामा रे भाई गणे दिना झोली भर लो भक्तो रंग और गुलाल से तुम झोली भर लो भक्तो रंग और गुलाल से होली खेलागा गिरधर गोपाल से होली खेलागा गिरधर गोपाल से होली खेलागा गिरधर गोपाल से होली गिरधर गोपाल से फागण ओ अपना प्यारे वक्त है आराम का अपना प्यारे वक्त है आराम आ गया लो मेला मेरे श्याम का आ गया लो मेला हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले दुखड़े को मारो मन में कान जय लगाए ले दुखड़े को मारो मन में कान जय लगाए बिसरावे मत बाबा छुरा कर बाबा काशी कट मेरे से आखड़ी छुरा कर बाबा कट मेरे तो ये पूरे भक्त मंडल दल दल बाबा इनको ऐसे ही आसपास अरे
आवाज नहीं आ रही इधर भैया। चाकर राख ले सांवरिया तेरो बहुत बड़ो दरबार, चाकर राख ले सांवरिया तेरो बहुत बड़ो दरबार, चाकर राख ले जी राख ले तीरा ले जी राख ले तीरा ले जी श्याम चाकर राख ले चाकर राख ले सांवरिया तेरो बहुत बड़ो मजा न देगा सावन मजा न देगा तेरे बगैर बाबा, तेरे बगैर बाबा, तेरे बगैर बाबा, तेरे बगैर बाबा फागुन मजा न दे, अरे सावन 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 मजा न देगा पागल मजा न देगा सावन मजा न देगा। लेकिन आज लाखों करोड़ों अरे लहराते देखे हैं हम शाम निशान करोड़ों लहराते शाम निशान और जो फागुन आता है तो प्रेमी बड़े मन से गाता है अरे हेलो शाम को हेलो पास में आता है तब प्रेमी क्या कहता है सुनना सेवकिया
धाम सेवकियो अरज गुजारे माने जब मैं बोलूं ओम हरे तब पूरी आवाज आएगी बिना माइक के ओहो ओम हरे सावरियन ओम हरे सावरियन दा कोनी आई रे जी भने और रंग दे ओम हरे सावरियन दा कोनी आई रे चलो चलो काटू ना जहां बिराजे बाबा शाह चलो चलो काटू ना जहां बिराजे बाबा ओ बनता बिगड़ा हुआ हर काम चलो काटू जी ओ चलो काटू जी चलो काटू जी ओ चलो काटू जी ऐसे नहीं पूरे हाथ उठाकर काटू जाओगे तो क्या बोलोगे भटभटी सीम दे निशान बनने खाटू जाना से ओ दर्जी सीम दे निशान बनने खाटू जाना से ओ खाटू जाना से शाम का दर्शन पाना से खाटू जाना से शाम का दर्शन करना से ओ दर्जी सीम दे निशान बनने खाटू जाना से ओ दर्जी सीम दे निशान बनने
यो है बाबा को निशान। अरे पैदल चालन गए चालन बाबो चाले, पैदल चालन गए जागे चाले बाबो चाले। हेलो 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 से मिली शरण के मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण मेरे दिन बदल गए। ओ जब से मिली शरण के मेरे दिन बदल गए, से मिली शरण मेरे दिन बदल गए। हो दिन बदल गए मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण के मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण मेरे दिन बदल गए। हाँ, और प्रेमी क्या गाता है सुना, अरे तालियां बजाओ जो खड़े हो। अब जीवन में मस्ती है मेरी सुखी गृहस्थी, अब जीवन में मस्ती है मेरे मन में। तीन घंटा और गाऊंगा, बोलो क्या करोगे। अच्छा कोई ऐसा है जो मेरे को बोले भैया आप उतर जाओ यार मत गाओ। अच्छा कौन कौन चाहता है मैं गाता रहूं, देखो यार मन मेरा बन गया है। अच्छा इधर से कोई नहीं चाहता भैया मैं बजा रहा हूँ। अब जीवन में मस्ती है मेरी सुखी गृहस्थी है, अब जीवन में मस्ती है मेरी सुखी गृहस्थी है। उतना दूर, अरे देखो ये बाबा क्या कहता है, बाबा से प्रेमी क्या कहते हैं, देखो ये मुझे ऊपर चढ़ा रहे हैं, बहुत दूर ले जा रहे हैं। हो इतनी खातिरी करवावे, हो इतनी खातिरी करवावे, को इसको कहना कि बाबा हम तो आपके दरबार खुद नहीं आ सकते, आपको बुलाना पड़ेगा। कहना ओ गलती तेरी है, गलती तेरी है सांवरिया, फागुन दिखा दियो एक बार गलती। और सुनो पिछले साल फागुन लगा 2020 मार्च में, इस 2021 में फागुन का मेला लगेगा। हाँ क्या बोलूं, अरे ये तो हमारी जान है। हो सराई पाली से हमारे बीच हितेश गोयल भैया बहुत सुंदर बाबा के दिन लिखते हैं, एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। हो फागुन का मेला लगा, पिछले साल लगा पूरे प्रेमी, इस साल फागुन का मेला फिर से कब लगेगा। और कहता है बाबा हमारी गलती नहीं है, गलती तेरी है सरकार, फागुन दिखा दियो एक बार गलती तेरी है, गलती तेरी है दियो एक बार गलती तेरी है। ओ एक सुनो, एक बहुत ही मारवाड़ी का मारवाड़ी है। आख्यारो का जल थारो जल थारो हो थारी नाली जी, आधारो का जल थारो हो थारी नाली जी।
पहला देखी भाली जी आया की बाबा का श्रृंगार अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, किस किस को अच्छा लग रहा है ये एक एक दो अमित राठी और श्यामू भैया का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो पल्लो देख ले पल्लो देख ले पीछा कर खुल रहे बाबे को दरबार पल्लो देख ले पल्लो देख ले देखो पल्लो तो भाई श्यामू पड़ोगो ये जरा दोनों हाथ उठा के कहना ओ पल्लो देख ले पीछा कर खुल रहे बाबे को दरबार पल्लो देख ले ओ भर दे रे अमित राठी भैया और श्यामू भैया से कि दूर बैठे हैं शायद मुझे तो दिख भी नहीं रहा चश्मा लगाए हेलो हेलो हाँ दे रहे जरा एक के बीच आए तो अच्छा लगेगा सभी प्रेमियों को प्रेमी आप ना रुके ओ मारे क्या को तोड़ो मारो गठ छोड़ो बाबा श्याम से मारे क्या को तोड़ो मारो गठ छोड़ो बाबा अरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी शाम नाम तू रट ले शुरू उससे पहले ये आपका भक्त मंडल बाबा भक्त मंडल आपका चतुर्वर्ष आज वार्षिक उत्सव मना रहा है आप सब यूं ही अपना प्यार दोगे जितने प्रेमी आज आए हो मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये मेला और ये कीर्तन बाबा का यूं ही होता रहे बस ये कीर्तन को ही चलता रहे खटून रे की थे एक ही साथ सागा बुला ले रुक जाओ यार आधार तो बहुत कुछ बाकी है अरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी श्याम नाम रस पी ले तू मस्ती में जी ले तू मस्ती में जी ले तू मस्ती में जी ले ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी ऐसी मस्ती कहाँ मिले शाम नाम रस पी ले तू मस्ती में जी ले दरबार अनोखा सरकार अनोखी दरबार अनोखा ऐसे नहीं सरकार हाथ ऊपर उठाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाबा के दरबार में लहर कर क्या जाओगे ओ दरबार अनोखा सरकार अनोखी दरबार खजाना लुट रहा रे
ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਓ ਬਾਬਾ ਖੋਲ ਤਿਜੋਰੀ ਕਾ ਤਲਾ 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 ਅਰੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਾਲ ਦਬਾਏ ਭਗਤੋਂ ਪੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੁਟਾਏ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਾਲ ਦਬਾਏ ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਾ ਆਪਣਾ ਤੋ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਤੋ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਬੋਲੀ ਲੈ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਤੋ ਖਾਟੂ ਵਾਲਾ ਬੋਲੀ ਲੈ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਂਵਰਾ ਭਗਤੋਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਉਮਰਲੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤੋਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਭਗਤੋਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਉਮਰਲੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤੋਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੋ ਰੰਗੀਲੋ ਚਲੋ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ ਐਸੋ ਤੋ ਰੰਗੀਲੋ ਚਲੋ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਰੇ ਦੇਖਿਓ ਆਹਾਹਾ ਅਰੇ ਦੇਖਿਓ ਅਰੇ ਮਨ ਕਰਨ ਮਨ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਅਰੇ ਦੇਖਿਓ ਅਰੇ ਆਪਾਰ ਯਾਰ ਅਰੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਗਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾ ਮੁਕਤਾ ਕਲਯੁਗ ਕਾ ਰਾਜਾ ਹਾਡੂ ਨਰੇ ਓ ਪਿਆਰਾ ਸਾ ਮੁਕਤਾ ਵਿਰਾਲ ਕੀ ਕਲਯੁਗ ਕਾ ਰਾਜਾ ਹਾਡੂ ਨਰੇ ਇਹ ਜਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾਲੋ ਹੱਥ ਉਠਾਲੋ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਅਰੇ ਹਾਰੇ ਕਾ ਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤੋ
भैया एक आग्रह करूंगा, थोड़ा सा माइक ये वाला खोल दो ताकि मेरे पास आ जाए हल्का सा बस। अरे ठीक है, ऐसे ठीक है, हल्का सा खाली ये वाला भी आ जाए तो चल जाएगा। थोड़ा सा खोल दो, 5 मिनट के लिए खोल दो। देखो ये एक 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 छोटी सी बात बोलूंगा, सुनना आप सब जितने भी हो ना। एक एक चीज में इस बाबा भक्त मंडल से मेरी बात हुई सुबह, और जब इन्होंने बताया बहुत अच्छा लगा कि ये चाहते हैं कि भिलाई में भी बाबा श्याम का एक मंदिर बने और बाबा यहाँ पर आकर विराजे और हर घर में बाबा की जोत जले। आज पूरे भिलाई में मेरे हिसाब से 20-25% बाबा के प्रेमी होंगे। बाबूजी गलत कह रहा हूँ, 20-25 तो होंगे। और ऐसे प्रेमियों का मानना है कि आने वाले समय में 20-25 नहीं 100% प्रेमियों के घर में बाबा का जोत जले। और तब प्रेमी बोले कि मैं मेरे बापू का लाडला को नहीं, बोले 18 साल तक तो मैं मेरे बापू का लाडला था और अब को नहीं, बोले अब किको है ना गोरे ना काले का घनश्याम मुरली मैं लाडला। और अब इनके लिए मैं लाडली, तो हाथ उठा लो जो लाडला गए मैं लाडला। भैया उस ढोल से पंजाबी तरीके से शुरू करो, ठीक है। जो ये बात बोला कि नाच मन चेतक चाहिए और नाते मन तो बाबू के खाली तेरी यारी चाहिए। तू सोच मैं तेरे कन्ने खेत मांगन आया, मैं तेरे कन्ने दौलत मांगन आया, तो बोले भैया दौलत की कमी कौन है तेरे खेत में मेरी रेत में कोई घना फर्क ना हो रहा। तेरे खेत में
तेरी खेत मेरी रेत दोनों बाबा हरा भरा ही हो रहा है तेरी खेत मेरी खेत दोनों बाबा हरा भरा ही हो रहा है न कर्जा करना मन कमाना न कर्जा करना मन कमाना इज्जतदारी का नात मने चाहिए जी नाथ मने चेचक चाहिए जी नाच गाला भरारी का चेचक चाहिए जी नाच गाला भरारी का ओ और क्या कहा प्रेमी सुनना ताजमहल से प्यारा खाटू धाम है ताजमहल से प्यारा खाटू धाम श्याम का जादू है सर चढ़कर बोलेगा ये श्याम का जादू है सर चढ़कर बोलेगा ये श्याम का जादू है सर चढ़कर बोलेगा कभी गाऊंगा जाओगे घर जाओगे बिल्कुल खाटू वाले यारी का यारी का यारी का यारी का यारी का नाथ मने नाथ मन चेचक चाहिए जी नाच सकाला भरारी का नचेचक चाहिए जी नाच सकाला भरारी का खटू वाले श्याम धनी तेरा चर्चा हो गया यू बनिए का छोरा बाबा तेरा हो गया से यू बनिए का छोरा बाबा कौन 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 बाबा का हुआ है वो गाएगा यू बनिए का बोलो बोलो बोलो
यू बनी है का छोरा बाबा, अरे यू बनी है की छोरी मामा। अभी तो पहले तो बाबा, अरे भाई साहब क्या कर, हमारे बीच में तिजारा राजस्थान से, एक और राजस्थान की धरती से मेरे सीनियर भैया गौरव दत्त भैया, एक बार जोरदार तालियों से भैया का स्वागत। सांवरियो बैठो है, सांवरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग ले, सांवरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग ले, सांवरियो बैठो है रे कानूड़ो बैठो रे, जो लेनो है सो मांग ले, सांवरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग ले। देखो एक माइक और होगा, एक बार तालियां बजा दे ना, कोई हिलना मत। हल 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 ओ हमारे हारे हारे के शाह, हारे ओ हारे के। देखो हमारे गौरव भैया भी गाते हैं, ये बहुत अच्छा गाते हैं, एक बार जरा इनसे दो लाइन भैया। अभी तो खैर आप लोग मेरे बाद यही भजन सुनाएंगे, लेकिन अभी टाइम है इनका भजन सुनाने में। ओ शाम देखो बाबा का सिर्फ करना है तो दीदार, वो क्या नजर नजर का खेल है ये तो, एक बार बजाओ ना ताली। नजर नजर का खेल है ये तो, नजर नजर का खेल, और बाबा नजर नजर में हो ना जाए तेरा मेरा मेल, क्योंकि मैं लाडला खाटू, मैं लाडला खाटू वाले का, खाटू वाले का नजर ना लग जाए, 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 ओ के बिहारी कल रहे मोटे मोटे ये मस्ती में नाच के, वन टू थ्री फोर, हेलो हेलो हेलो, ये बढ़िया है यार, अब तक क्यों नहीं दिया। हाँ और जिस जिसको सपना तो उठाना पूरे आते और बोलना, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे, तेरा मेरा सांवरे ये कैसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ये कैसा नाता है, दिन हो चाहे चाहे रात सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। किस किस को आता है, किस किस को आता है सपना, ये पूरे हाथ उठा के एक एक दो तीन चार, देखो एक बार आना भैया, गरबा बजाना गरबा जरा, हाँ आना राजस्थान का एक बार मारवाड़ी तो हो, हाँ गुजराती मारवाड़ी मिक्स,
तो छत्तीसगढ़ी में भी होना चाहिए गरबा में। आओ बरसे का बरसे का कीर्तन में शाम रंग बरसे का बरसे का अब बरसे का कीर्तन में शाम रंग बरसे का ओ कीर्तन में शाम रंग बरसे का कीर्तन करूं दिन रात रे ऐसी कर दे बरसात रे कीर्तन करूं दिन रात रे ऐसी कर दे बरसात रे कीर्तन करूं और कौन कौन दिन रात कीर्तन करेगा ये गरबा के साथ ये तालियां जय बहुत बढ़िया एक काम करो भैया ये जितने भी खड़े एक बार पास आओ इधर दरबार में हाँ पीछे से अरे आप तो छुट्टा छोड़ा के चले जाओ यार अब एक काम करो देखो ईमानदारी से बताओ गौरव भैया सुनो हमारे जीवन को बाबा ने रोशन किया आप सबके जीवन को बाबा ने रोशन किया है और जब हमारे जीवन को बाबा ने रोशन किया है तो आज हमारा फर्ज बनता है कि आज हम दरबार को रोशन करें तो जरा अपने फोन निकालो और फ्लैश लाइट जलाओ जरा एक बार सारे निकालो जरा हाँ निकालो निकालो ये जितने फोन सबके पास सब निकालो भैया उसके बाद आगे गाते हैं लाइट अगर बंद करना भैया एक बार सारी लाइट ये पीछे वाली बंद हो जाएगी फोन बड़े कम लोगों के पास है यार एक दो तीन वाह मोतीलाल जी क्यों देखो आजकल तो अच्छा आजकल तो मोदी जी का ही जमाना चल रहा है भैया क्या कर सकते हैं जरा दोनों हाथ ऊपर पूरे फोन के साथ और क्या बोलोगे अरे श्याम बाबा श्याम बाबा जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर बाबा नांगे पांव पधारा हाथ उठाकर पूरे 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 हाथ उठाकर क्या बोलोगे दुख हर नाम मेरे दुख हर ये हरदास लाया हूँ चरणों में तेरे
सागर को महीनो एक आग्रह जरा पांच मिनट आप सब बैठो पांच मिनट और बैठो उसके बाद हमारे बीच गौरव भैया पांच दस मिनट बाद और भैया का नाम क्या है उमा शंकर अग्रवाल जी देखो आज एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ एक तो पहले बाबा ने भिलाई बुलाया दूसरा मैं लाइफ में देखो हेलो 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 अरे अभी बाकी है अभी बाकी है दूर जाके क्या करोगे आज मैं जिंदगी में कभी गौशाला नहीं गया था और मुझे नहीं पता था कि गौशाला में गौ की सेवा कैसे होती है क्या क्या जरूरतें होती हैं कितना मेहनत लगती है और किस तरीके से गौशाला में क्योंकि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारी थी गैया गाय माता सबसे प्यारी थी और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि गाय माता में 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। अगर उनकी सेवा करते हो तो समझ लेना 36 करोड़ देवी देवता की सेवा करते हो और ऐसी सेवा हमारे आदरणीय भैया उमा शंकर जी और इनके बड़े भैया जो अभी मेरे को दिख नहीं रहे संतोष भैया दोनों मिलकर करते हैं आप सब से यही आग्रह है कि गौशाला में आते जाते रहा करिए कोई जरूरत हो हालांकि मेरे हिसाब से आपको कभी कमी पड़ने नहीं देगा बाबा इस बात की गारंटी है कभी कमी नहीं आने देगा क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हो कभी कमी नहीं आने देगा बाबा कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दो लाइन भैया हेलो निर्मल भैया एक बार ए मेजर कर ए माइनर साढ़े चार माइनर देखो अभी तक आपने खूब खूब धमाल की मस्ती ली भैया दो लाइन में जरूर गा रहा हूँ आपकी अच्छा अच्छा एक 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 और अनाउंसमेंट भव्य निशान यात्रा 25 मार्च 2021 फागुन शुक्ल एकादशी सूरजगढ़ बाबा का सबसे पहला निशान चढ़ता है सूरजगढ़ से बाबा के शिखर में जो निशान रहता है वो सूरजगढ़ का होता है और ये बहुत भाग्य की बात है आपके लिए कि सूरजगढ़ राजस्थान में निर्मित श्री श्याम भजवा एवं श्याम बाबा के तीन बाण के दुर्ग तीन बाण ये जो आप ऊपर देख रहे हो 32 किलो का ये बना हुआ है और प्रेमी के भाव है कि श्री कृष्ण मंदिर से इसे पैदल लेकर दुर्ग धाम तक बाबा तक अर्जी पहुंचाएं और आप सब साढ़े चार साढ़े छह निशान यात्रा सुबह 4:15 बजे से श्री राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होगी और मैं दोनों दो मुकेश भैया इधर उन दोनों के ये भाव हैं और बहुत ही सुंदर भाव एक बार जोरदार तालियां थोड़ा ऊपर करो इसको पहला करना पहला hmm.
हेलो हेलो भैया वो वाला माइक देना जो था पहले वाला। हेलो 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 दो लाइन हमारे भैया राजस्थान की पगड़ी बांध कर बैठे हैं और ऐसी मिट्टी है मैं समझता हूँ राजस्थान में, हालांकि मेरा जन्म तो नहीं हुआ, मेरा जन्म बिहार का है पटना, लेकिन मैं समझता हूँ आज अगर बाबा ने राजस्थान में बसा रखा और जयपुर बता रखा है तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली जो जो राजस्थान में बैठा है और जो राजस्थानी है मेरे हिसाब से उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी देवी देव हैं मेरे हिसाब से 97 से 98% जितने देवी देव हैं सब राजस्थान में विराजते हैं। और ये हमारा बाबा भी राजस्थान खाटू श्याम में विराजता है। आइए भैया की इच्छा अनुसार दो लाइन। हम हर श्याम बसे खाटू माही साला सर में बजरंगी रानी सती राज करे झुंझुनोर माहिर मारो श्याम बसे खाटू माही साला सर में बजरंगी रानी सती राज करे झुंझुनू के माही मारो श्याम बसे। देखो बाबूजी मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये भजन मैंने गाया नहीं है कभी और आज पहली बार आपने इच्छा की जाहिर और मैंने बस बिना सोचे समझे गा दिया। ये दो लाइन भी मैं नहीं जानता बाबा ने कैसे निकलवाई, लेकिन ये वादा है कि बाबा जब अगली बार बुलाएगा तो इस भजन को सबसे पहले पूरा करके जाऊंगा, ये वादा है आपसे। क्योंकि इन लाइनों में वो तोड़ है राजस्थान वाला कि मारो श्याम बसे खाटू माही साला सर में बजरंगी रानी सती राज करे झुंझुनू के माहे मारो श्याम बसे। राजस्थान एकमात्र ऐसी धरती है जहां श्री कृष्ण के जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन, खाटू में बाबा के दर्शन, जीन माता के दर्शन, जोबनेर माता के दर्शन, मतलब मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकोगे। साला सर मेहंदीपुर बालाजी, मैं रुणीचा देव जी, रणथंबोर जी, अरे महाराज रुणीचेरा धनिया रामदेव जी, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं कि कभी तो आओ हमारे गुजरात, मैं आप सबको कह के जा रहा हूं कभी तो आओ हमारे राजस्थान, अरे पूरा घूम के आओ, हर देवी देव के दर्शन करके आओ, जिंदगी नहीं बदल दे तो मेरा नाम बदल देना। देखो हमारे भैया और भाभी जी चांडिल में मिले थे, वो भैया बैठे हैं उनके पीछे, चांडिल में मिले थे और उस समय मेरा हाजिरी काफी देर हुई थी तो उसमें प्रेमी कुछ बैठे थे, उसके बाद मैंने ये भजन गाया और तब से लेकर मतलब दिसंबर में मैं चांडिल गया था और दिसंबर के बाद से आज तक इनकी एक ही ख्वाहिश है कि बोले भैया ये भजन बाबा के दरबार में आपको सुनाना है। और ये भजन है
शुक्रिया अदा करने के लिए। जिस इंसान की औकात नहीं होती, जो इंसान इससे मिलने से पहले ये सोचे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, इस दुनिया में मेरा जीना भी मुश्किल है, उसको इस दरबार में इतना मिलता है, इतना मिलता है कि उसके लिए रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है, लेकिन बाबा देते देते थकता नहीं है, देना देता ही जाता है बाबा। और वो बाबा से कहता है कि बाबा हो बाबा मुझे ये तो बता, कोई इतना भी देता है क्या, दिया तूने जितना, दिया तूने जितना। मेरी आपसे मिलने से पहले कोई औकात नहीं थी, लेकिन आपके आपके मिलने के बाद हो तूने बना दी है औकात। ओ बाबा थाम के मेरा, बोलो बोलो, तूने बना दी है बाबा धाम के, दिया तूने जितना, दिया तूने जितना। ये उनसे पूछो जिनके जिनके दो वक्त की रोटी की लालच थी, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिला करती थी, जो इसके दरबार में ये मांगने आते थे कि बाबा कुछ मत कर, मेरा घर परिवार चल जाए, बस इतना दे दे, बहुत है बाबा। एक बार जो हार कर इसके दरबार में आ जाता और एक बार आकर आंसू बहा देता और बाबा से कहता, बाबा दो रोटी का जुगाड़ कर दे, ये मेरा विश्वास है बाबा, दो रोटी का नहीं जन्मों जन्म के भोजन का जुगाड़ कर देता है, मेरा भरोसा है। मुझे लगता था जितना मैं परेशान था उतना तुम्हें गरबा था, जितना मैं परेशान था उतना तुम हर एक कदमों का मेरे बाबा तूने मैं कदम बाद में रखता था। बाबा पहले उस राहों को सजा कर देता था। आने न दी कोई आज तूने बना। भैया देखो सुनो मेरी बात, अंतिम हाजिरी है वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे सुनो भैया। हेलो 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 भैया, आप 5 मिनट मेरे को दे दो। अरे प्यासे 5 मिनट बाद प्यास पूरी कर लेंगे भैया, यहां मैं कुछ गा रहा हूं उसको सुनो यार एक बार। ये भरोसा कहता है प्रेमियों, ये भरोसा कहता है। आने नदी कोई आज तूने बना दी बिगड़ी बात। लॉकडाउन में न जाने कितने परिवार मरे, न जाने कितनों ने सुसाइड किया लॉकडाउन में 8 महीने तक, न जाने कितने प्रेमी बाबा के प्यारे हो गए जिनकी उम्र थी। लेकिन ऐसे कई लोग भी हैं जो भूखे मर गए, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि जो शाम का प्रेमी है इस 8 महीने में भी उसके घर में भोजन की कमी नहीं होने दी होगी बाबा। आने नदी कोई तूने बना दी बिगड़ी माँ, दिया तूने जितना, करे ना कोई सगा, हो बाबा मुझे ये तो बता, कोई इतना भी देता है क्या, दिया तूने जितना। तब प्रेमी गाता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूँ यार।
हो ये मैं जानता हूँ यार। आज की सच्चाई दो लाइनें में सुन सुन। चेहरे पे चेहरे सभी है लगाए, और ये सच्चाई है, चोट गैरों से ज्यादा अपनों से खाए, चोट गैरों से अपनों से खाए, मुझे किससे कैसा शिकवा गिलाए। कौन जानता है ये मैं जानता हूँ यार। जब आप नहीं मिले थे बाबा, जब आप नहीं मिले थे, जब मेरी नैया में 72-6 थे, तब दुनिया क्या कहती थी मालूम है? डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। लेकिन बाबा ये सिर्फ और सिर्फ प्रेमी और आप जानते हो। नैया को मेरी कैसे किनारा मिला है ये मैं जानता हूँ यार, तू जानता है ये मैं जानता हूँ यार, तू जानता है। भैया एक बार खाली ई दे दो, ई माइक में, और दो लाइन के बाद हमारे बीच में गौरव भैया ये लाइनें मैं सिर्फ इसलिए गा रहा हूँ कि इस दरबार में जितने प्रेमी बैठे हैं मैं उनको सिर्फ एक ही बात बता के जाना चाहता हूँ। अपने जीवन की नैया इसको सौंप दो, कल की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे 10 मिनट बाद भी क्या होगा। हम कैसे अनुमान लगा ले कि कल का गल्ला कितना भरेगा? कैसे अनुमान लगा ले? हम कैसे अनुमान लगा ले कि कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा? अरे चूल्हा नहीं भी होगा तो जलेगा, बाबा शाम जला कर देगा। ये याद रखना प्रेमी। जिसकी नैया शाम भरोसे, बहुत बहुत अच्छी लाइनें लेकर जा रहा हूं, अपने जीवन में अपनाने अपना लेना। इस दो लाइन के बाद गौरव भैया आएंगे। सुनो, जिसकी नैया शाम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया शाम भरोसे डोल जाएगी, विश्वास पक्का रखना मेरा बाबा डूबने नहीं देगा उस नैया को, भले ही डोलेगी लेकिन डूबने नहीं देगा। हो जिसकी नैया शाम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, हाँ डोल भले सकती है डूब नहीं सकती। जय श्री श्याम। आप सभी प्रेमियों को मेरा तहे दिल से आभार इतनी देर मुझे झेलने के लिए। आइए, अरे नहीं नहीं, हमारे बीच तिजारा से गौरव दत्त भैया आ चुके हैं। क्या करोगे अभी? बाबा भक्त मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, और मैं सभी बाबा भक्त मंडल के जितने भी सदस्य हैं
सबको आमंत्रित करता हूं भैया का सम्मान करने के लिए। बाबा भक्त मंडल के सभी सदस्य जो अपने आप को बाबा भक्त मंडल का सदस्य मानता है वह सभी आकर भैया अग्रवाल महिला समिति बाबा वो भी बाबा भक्त मंडल ही है। जो भी अपने आप को बाबा भक्त मंडल का सदस्य मानता है वह सभी आकर आयुष भैया का सम्मान करेंगे। आप सभी से निमंत्रण है। मैं आमंत्रित करता हूं तिजारत से पधारे हमारे गौरव दत्त भैया का, इनका हार्दिक तालियों से स्वागत करें गौरव दत्त भैया का तिजारत से हमारे बड़े भैया।